माले का जो झमेला बहुत दिनों से चल रहा है, जिसके बारे में आप सभी को पता है, बहुत प्रयास करने के बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कहा कि हम पहले माले को कंसिडर कर रहे करके, लेकिन वो अभी प्रोसेस चालू हो गया है। इसके बारे में मैं कोर्ट में भी गया हूँ, वहाँ पर भी तारीख पे तारीख पड़ रही है, वो एक दूसरा मामला हो गया। अब बोरीवली में दो स्ट्रक्चर, एक योगी नगर में और एक हरिदास नगर में है, इनका फिर हमने इनको कहा कि भाई रिपेयर परमिशन दे दो तो कम से कम लोग अपना घर तो रिपेयरिंग कर लेंगे। अब SRA के लोग पात्र नहीं करते हैं और BMC के लोग परमिशन नहीं देते हैं। ये राइटिंग में मुझे परमिशन लेटर दिया है कि 1982 का स्ट्रक्चर है, 1962 का होगा तो ही हम परमिशन देंगे। 1900 का 82 का होने के बाद में भी उनको रिपेयर परमिशन नहीं देने का, इस प्रकार का निर्णय महानगर पालिका का है। अब परसों हमारे नगर सेवक प्रवीण भाई शाह का ऑफिस का रिनोवेशन, उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन ये भाड़ूत मेरे पास आए थे और मैं उद्घाटन के समय हमारे विधायक सुनील राणे जी भी थे वहाँ पर, उनको कहा कि आप कॉरपोरेशन में जाके कल लेटर ले लो, या तो परमिशन दे दो या तो रिफ्यूज़ल का लेटर लो, हम परमिशन नहीं देंगे। तो हमारे नगर सेवक प्रवीण भाई यहाँ पर आए और प्रवीण भाई को ऑफिसरों ने कहा कि हम लेटर दे नहीं सकते। मैंने 4 दिन के बाद में प्रवीण भाई को पूछा क्या हुआ, तो बोलता हूँ लेटर देंगे नहीं। तो मैंने कहा कि लेटर क्यों नहीं देंगे, लेटर तो देना ही चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आया और बहुत सारी बातचीत करने के बाद में दोनों स्ट्रक्चर का लेटर उन्होंने दिया। एक को तो हरिदास नगर में जो स्ट्रक्चर है उनको तो रिपेयर परमिशन गए साल में दे दिया था कि आप रिपेयर कर लो करके, अब वो उन्होंने रिपेयर नहीं किया। जब उनको परमिशन रिपेयर का दिया BMC ने, तो ज़मीन मालिक को मालूम पड़ गया कि रिपेयर होगा तो मेरा हाथ से प्रॉपर्टी चला जाएगा। उन्होंने फिर BMC के कुछ अधिकारियों को पकड़कर इसका डिलेपेटेड डिक्लेयर कर दिया कि बिल्डिंग रिपेयर होने जैसा ही नहीं है, इसको तोड़कर बनाना पड़ेगा। अब एक बार BMC ने लेटर इशू कर दिया, इसलिए उसमें वो कह के हम अभी पीछे नहीं आ सकते हैं, हम उसको टैग कमेटी के पास भेजेंगे, अब टैग कमेटी देखेंगे क्या कर सकते करके। यानी कॉरपोरेशन का दुहरी भूमिका है, एक जगह पे बोलते हैं कि 1962 का होगा तो ही हम परमिशन देंगे, दूसरी जगह पे प्रामाणिकता से परमिशन दे दिया लेकिन ज़मीन मालिक बीच में आ गया, अब वहाँ पर भी फिर गए। यानी घूम फिर कर यह मुंबई शहर सामान्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेशन और ये सारी व्यवस्था पैसे वालों के लिए है, इससे ये दो लेटर से प्रूफ होता है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं, जब तक मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं तब तक मैं लोगों को न्याय देने का काम करूँगा। सोमवार को हमने कमिश्नर का परमिशन लिया है, अब ये लेटर का मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि मैं कोर्ट में बताऊँगा SRA के लोग पात्र नहीं करते और BMC के लोग बोलते हैं 1962 का होगा तो हम परमिशन देंगे।